यूजली बैक बेंचर होती थी. आई यूज टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई कॉलेज लाइफ. आई वॉज कॉल्ड द अंडर डॉग ऑफ द क्लास. मुझे अंडर डॉग बोलते थे बिकॉज दे वर लाइक वी डिडंट नो दैट यू विल बी अ कॉम्पिटिशन. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड मेडिटेशन. तो मुझे एक बात रियलाइज हुई थी दैट इफ यू मेडिटेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड डीप ब्रीदिंग करते हो तो इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट. कर रहे हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. अपना पूरा फोकस अपने सिलेबस पे लगाइए, पूरा फोकस लगाइए. आपको ये अच्छे से करना है एंड जज बनना. देन दे आस्क मी अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन. एक बहुत अजीब सी टर्म थी जिसका मतलब मुझे अभी भी नहीं पता. ये साल ऑफ कोर्स ये ईयर मेरे को बहुत बहुत बड़ी हैप्पीनेस दी है इस ईयर ने. लेकिन इस ईयर ने मेरे से बहुत कुछ छीना भी है. एग्जाम होने के बाद मुझे पता लगा कि वो नहीं है. हेलो एंड नमस्कार. हाय, स्वागत है आप सभी का. आज आपके बीच में एक अलग एहसास में रखने वाला हूं. और आप कह सकते हैं कि जिस कौटिल्य चाणक्य की बात हम लोग अक्सर सुना करते हैं, आज हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. चाणक्य जी कहा करते थे कि जिंदगी जो है ना वो छोटी पड़ जाएगी अगर आप हर मिस्टेक्स को खुद कमिट करोगे, हर एक्सपीरियंस को खुद लेने की कोशिश करोगे. इसलिए ऑलवेज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ अदर्स. और ऐसा ही कुछ आज भी हमारे साथ हुआ. राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2021 के अंदर जो वैकेंसी आया था और इसका रिजल्ट हाल ही के अंदर आपके अगस्त मंथ में डिक्लेयर हुआ है, उसमें टॉप 10 के अंदर अपना रैंक सिक्योर करने वाले एक कैंडिडेट्स अरुणिमा चौहान जी आज हमारे बीच में जुड़ेंगे. और आज आप मुझे कम सुनना और उनकी एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्डिंग्स को ऑब्जर्व जरूर करना. क्योंकि एक यंग कैंडिडेट जब अपने मुकाम को, जब अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने जज्बे से, डेडिकेशन से, पैशन से, ऑब्सेशन से किसी चीज को हासिल करता है, तो उसका जर्नी का रोल किस तरीके से रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, क्या स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने इस चीज को हासिल किया. और अपनी लाइफ टाइम के अंदर कहते ना, कई बार अब ह्यूमन नेचर है ना, इंसान बनाया भगवान ने हमको, तो वो आपको बिना तकलीफों के, बिना स्ट्रगल के तो सर्वाइव करने देगा. तो उस स्ट्रगलिंग सर्वाइवल के साथ साथ मैनेज करना अपनी इस प्रिपरेशन को, अपनी इस जर्नी को कैसे पॉसिबल होता है, जानेंगे अरुणिमा से. हेलो अरुणिमा जी, प्लीज कनेक्ट एंड थैंक यू सो मच. हेलो सर, हाउ आर यू गिविंग. आई एम परफेक्टली फाइन. और अभी तो कह सकते हैं कि और भी ज्यादा फाइन हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे जब आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानने का हम सभी को मौका मिलेगा. ऑल लॉ स्पिरेंट जो है वो एकदम बेसब्री से जानना चाहते हैं कि जिस लड़की ने, मतलब उनके माइंड का स्टेटस बता रहा हूं, कि जिस बंदी ने टॉप 10 के अंदर अपना रैंक सिक्योर किया है उसने कैसे पढ़ा होगा वो जानना चाहते हैं. राइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी स्कूल की लाइफ से. ईमानदारी से, बड़ी ऑनेस्टी से बताना, क्या वाकई में उतने ही एकदम आप पढ़ाकू, पढ़ाकू कहना तो गलत शब्द रहेगा, उतने ही जुझारू, उतने ही डेडिकेटेड आप स्कूल टाइम के अंदर भी थे जितना आप अभी इस ट्रेडिशनल प्रिपरेशन के लिए रहे हैं? एक ऑनेस्ट आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, प्लीज. ऑनेस्टली तो आई थिंक 8 तक तो आई यूज्ड टू चिल. मुझे होता था कि ठीक है, पेरेंट्स ने पढ़ा दिया, काफी है, जितना वो बोल रहे हैं उतना कर लिया, बहुत है. उसके बाद 9th में आई गॉट कॉम्पिटिटिव कि नहीं, अच्छे मार्क्स लेने, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने. तो 9th के बाद आई स्टार्टेड माई डेडिकेशन वाली जर्नी पूरी, दैट आई हैव टू बी डेडिकेटेड, आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th. बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज वी ऑल नो. तो तब थोड़ा जर्नी चेंज हुई. 9th टू 12th वॉज क्वाइट पोर्ट, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि अच्छे से करना है. देन कॉलेज लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाती है फिर. तो 9th टू 12th तो आई थिंक सबका ही काफी हेक्टिक रहता है. पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है दैट वी हैव टू डू रियली वेल इन बोर्ड. बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम देखना, तुझे हमारी इज्जत की लवाज रखनी है. जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बस ये कर लो उसके बाद सब कुछ सॉर्टेड है, वो ही बोला जाता था मेरे को भी कि बस ये अच्छा सिक्योर कर लो, मार्क्स अच्छी, परसेंटेज ले लो, 90 अबव ले लो, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है. और जैसे वो सिक्योर करते थे पेरेंट्स का नया टारगेट, बस अब 12th अब लॉ कर लो, 10th करो, 12th करो, अब लॉ कर लो, बस अब चलते रहो बस आगे.
एग्जैक्टली exactly. तो ये 8 से 9 में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, तो वो मतलब क्या था? मतलब हालांकि मैं बहुत पहले टाइम की बात आपसे पूछ रहा हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल से कितने 10 साल हो गए होंगे इस बात को या? जी सर, आराम से सर, बहुत ज्यादा हो गए. तो अगर आप इसका एविडेंस मतलब 159 कर पाए, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर पाए, तो मुझे बताएं वो टर्निंग पॉइंट क्या था 8 से अचानक 9 में, या 8 में गलती से अच्छे मार्क्स आ गए, शाबाशी लोगों ने दी, अप्रिशिएट किया, तो वो लगा अरे यार ये तो अच्छा ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर आने में इतना शाबाशी मिलता है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? सर एक्चुअली मेरे एक मैथ्स के टीचर थे जिनके पीछे मम्मा वाज आफ्टर हिज लाइफ दैट यू हैव टू टीच हर इन 9th क्लास. तो मेरे वो घर के पास ही रहते हैं, बुद्धि राजा सर. तो माय मॉम वाज आफ्टर माय लाइफ कि इनके पास ही पढ़ना पड़ेगा आपको, बिकॉज ही इज अ वंडरफुल टीचर. तो जब मैं उनके पास गई, आई जॉइंड हिम, आई रियलाइज कि मैथ्स इतनी बोरिंग नहीं है एंड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है. एंड आई स्कोर्ड 78 ऑन 80 इन माई हाफ ईयरली एग्जाम. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि भाई मार्क्स अच्छे आते हैं तो काफी क्लास में भी लोग क्लैप करते हैं, बहुत अटेंशन मिलती है. सो दैट इज हाउ आई रियलाइज आई नीड टू सिक्योर गुड मार्क्स. तो अटेंशन के लिए एंड ऑल द प्रेज, तो उसी के लिए आए got very dedicated. मतलब आपने उस चीज को अपना एक पॉजिटिव वेपन बना दिया कि भैया इतना स्कोर लाने पे इतना देखो सेंटर अटेंशन मिलता है, सब लोग तारीफ करते हैं, क्लैप करते हैं, और क्या चाहिए एक इंसान को? ये अटेंशन मेरे को कंटिन्यूटी चाहिएगा. अच्छा, अब इसका दूसरा पड़ाव, यहाँ से आपने लाइफ में जंप मारा, फिर वापिस आप कह रहे हैं कॉलेज को मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से लिया था, अब वहां पे क्या टर्निंग पॉइंट रह गया वो भी बताना चाहेंगे आप, प्लीज बताएं. सो कॉलेज का फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम था, आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जाम. उसके बाद यही होता है कि 5 ईयर लॉ कॉलेज काफी लंबा टाइम होता है, तो वी फील कि ठीक है चलो हो जाएगा मैनेज, 10 सेमेस्टर में कर लेंगे जैसे मैनेज करना. तो मैं कॉलेज में यूजली बैक बेंचर होती थी, आई यूज टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई कॉलेज लाइफ. But then you were back bencher, पीछे बैठा करते थे आप? हाँ जी सर, बिल्कुल एंड में. अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, इसमें डेप्थ में जाना चाहूंगा. जनरली एक मार्केट में मित्र रहता है, मार्केट बोले तो स्टूडेंट यूनियन, जो कि है नहीं एक्चुअल में लेकिन होती है, उनमें एक मित्र रहता है कि जो पीछे बैठा रहता है वो तो थोड़ा सा आलसी, आराम से चिल मारने वाला, एकदम रिलैक्स रहने वाला कैंडिडेट, दुनियादारी की मुहाय में नहीं पढ़ने वाला कैंडिडेट होता है. तो ये वो कैंडिडेट्स, वो एकदम लेजीनेस, आराम से पीछे बैठने वाला कैंडिडेट जज बन गया है, तो ये उनको एक शौक लगने वाला है. तो ये जर्नी हम बड़ी गहराई के साथ में समझना चाहेंगे प्लीज. सर इनफैक्ट मेरी क्लास के लोगों को भी ये लगता था बैक बेंचर है क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं है, तो लोग कॉम्पिटिशन का पार्ट ही नहीं है. बिल्कुल. देन मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आई सिक्योर्ड 75%. तो हमारे कॉलेज में होता था कि अगर 500 मार्क्स में से आपके 400 के ऊपर आ गए हैं तो यू आर द टॉपर. आई वाज इन द टॉप 5 पीपल ऑफ द क्लास, आई सिक्योर्ड 405 आउट ऑफ 500. मेरे क्लास के कई लोगों के रडार में आ गए होंगे. हाँ जी सर, आई वाज कॉल्ड द अंडरडॉग ऑफ द क्लास. मुझे अंडरडॉग बोलते थे बिकॉज दे वर लाइक वी डिडंट नो दैट यू विल बी अ कॉम्पिटिशन. तो अंडरडॉग नाम पड़ गया था. अंडर डॉग जो छुपा रहता है ना, छुपा रुस्तम टाइप. अच्छा, ओके. हाँ जी, ये तो देखो हमें भी, हम भी लॉ वाले सीख लेते हैं कुछ शब्दों को, मैंने भी आज ये सीखा है. अंडर डॉग, ओके. अंडर कॉप तो मैंने सुना था, एक अंडर कॉप वर्ड हुआ करता है, मतलब आप बिना यूनिफॉर्म रहते हुए. हाँ जी, हाँ जी, ओके, चलो सेम लाइन पे अंडर डॉग भी. हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है. फिर आगे, फिर कॉलेज में फर्स्ट में तो आपने अच्छा स्कोर किया. हाँ जी सर, फिर वो ही ट्रेल कंटिन्यू होता रहा. 10 सेमेस्टर्स तक आई सिक्योर्ड रियली गुड मार्क्स एंड मेरा ओवरऑल भी 75% रहा था, जो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इतने मार्क्स आना वहां पर बहुत बड़ी बात मानी जाती है. सो इट वॉज वेरी गुड, मतलब कॉलेज लाइफ ठीक रही. देन आई वॉन्टेड टू एंजॉय मोर, तो मुझे था कि भाई अब लाइफ को आफ्टर कॉलेज क्या करे, 5 ईयर LLB हो गई है खत्म, अब कुछ करना है. सो आई प्लान दैट आई विल गो फॉर LLM. एंड LLM मैंने करी सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से, एंड वहां का भी एंट्रेंस एग्जाम था प्रॉपर, तो इंटरव्यू हुआ था. आई गेव द इंटरव्यू, आई क्लियर द इंटरव्यू एंड आई वेंट देयर. तो LLM वॉज हेक्टिक, बट आई एंजॉयड अ लॉट इन माई LLM एज वेल.
वहां पे भी मैंने पूरा मेरा यही सिनेरियो था कि एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, बट एंजॉयमेंट पे ज्यादा फोकस रखना है बिकॉज लाइफ में आगे काम ही करना है, तो थोड़ा भी आराम कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स करके पढ़ाई। मतलब आपने अपनी कॉलेज की लाइफ को जो है एक तरीके की, अपने कॉलेज की लाइफ को एक मेरा तरीके से अम्यूजमेंट पार्क था, कॉलेज लाइफ अम्यूजमेंट पार्क का टाइम। हाँ जी सर, हाँ जी। तो फिर ये मतलब जुडिशी की सीरियसनेस का जो ये कलर, ये कब लगा आपकी जिंदगी में? सर आई केम बैक फ्रॉम सिम्बायसिस इन 2019 सितंबर आई केम बैक एंड आई रियलाइज कि अब लाइफ में कुछ करना है बिकॉज यू विल बी नथिंग अगर आप कुछ नहीं किया। तो आई टुक अ गुड ब्रेक, आई टुक लाइक 4 to 5 months टू रियलाइज दैट व्हाट आई वांट टू डू अहेड इन माय लाइफ, एम आई श्योर दैट आई वांट टू गो फॉर जुडिशरी और नॉट, बिकॉज आई मेड माय माइंड कि मुझे जुडिशरी करनी है, बट आई वॉज वेरी श्योर कि अगर ये मैंने करा तो आई हैव टू गिव माई 100% और वहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड इन जनवरी 2020, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा एंड आई स्टार्टेड माई कोचिंग फॉर जुडिशरी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ अरुणिमा जी। हाँ जी सर। मतलब 2019 के अंदर जब आप वापिस LLM कम्प्लीट करके आए तो आपने 3 to 4 months का एक ब्रेक लिया अपनी लाइफ में ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर मुझे जुडिशरी में जाना है तो मुझे एकदम वेल कंफर्म हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे किसी तरह के डिस्ट्रिक्ट में नहीं पढ़ना है। तो क्या वाकई में एक यंगस्टर में, जो देखो ये एक आपका जो दौर है वो यंगस्टर का दौर है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये राजस्थान का कहिए, भारत का एक फॉर्चून कह दीजिए, खुश नसीब भी कह दीजिए कि युवा जजेज जो है वो यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, है ना। और युवा जजेज इसका मतलब समय के साथ साथ बहुत अच्छा न्याय भी करेंगे, ओवरटाइम भी, एक्स्ट्रा टाइम देके भी जस्टिस इम्पार्ट करा सकते हैं। तो ये जो आपने ब्रेक दिया, आपको क्या लगता है एक यंगस्टर के लिए जरूरी होता है? क्योंकि देखो एक एंगल देखा जाए तो ठीक भी है कि नहीं तो आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लो, फिर आप 6-7 महीने आगे जाओ, फिर वापस यू टर्न मारो, तो समय तो आप वैसे ही खराब कर दोगे। इसलिए 2-3 महीने अच्छे प्लानिंग देते हो। तो आपको क्या लगता है ये ब्रेक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या यंगस्टर की लाइफ में ठीक रहता है? सर आई फील हमें कोई भी चीज में जल्दबाजी में एंटर नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। बिकॉज मेरे को लगता है कि कुछ भी काम करो तो पूरे परफेक्शन के साथ करो, उसमें अपना 110% दे दो, कोई कमी ना रहे, और अगर कमी रह गई तो फिर बाद में रिग्रेट होता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ब्रेक ले लो, पहले टाइम ले लो, पहले फाइनलाइज कर लो अपने दिमाग में दैट यू वांट टू गो फॉर इट एंड देन जस्ट डिग डीप एंड अंदर घुस जाओ बस उस फील्ड के, एंड देन डोंट रिग्रेट, डोंट कम बैक आउट, डोंट बी आउट ऑफ इट, एंड जस्ट गिव योर 200% टू दैट पर्टिकुलर थिंग, और फिर कोई भी नहीं रोक सकता कि आपकी वो चीज ना पूरी हो। कोई पूरी है तो पुणे से जब आपने होम टाउन है, आपका होम टाउन कहाँ पर है? कोविड आ गया था उस टाइम के अंदर, तो फिर उस टाइम को फिर आपने मतलब अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करवाया दैट टाइम, क्योंकि अचानक आपने स्टार्ट किया ही था और एक कनेक्शन कट हो गया। I know COVID has been a very, very bad time for a lot of people, but I genuinely feel for a person like me, it was great because I could introspect and feel that agar life mein maine kuch nahi kara and you know, ek goal aage, apne goal ki taraf aage nahi badi, to life dead ho jayegi. Life mein koi growth nahi hai, life mein aap ghar pe ho, maybe you are a housewife. I'm not saying ki housewife hona galat hai, बट आई नेवर बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आई बिलीव कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग विद माई लाइफ। तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो मुझे लगा कि आई हैव टू स्टार्ट माई सेल्फ स्टडी, आई नीड टू हैव सम ऑनलाइन कोचिंग राइट नाउ सो दैट आई कैन वर्क एंड आई कैन गो अहेड एंड मैं अपना एक नॉर्मल रूटीन बनाऊ, मतलब एक 9 to 5 वाला ऑफिस रूटीन अपने घर पे बनाऊ ताकि मैं काम करूँ उस टाइम पे, पूरी मेहनत करूँ। मैंने अपनी बुक्स को अपनी लाइफ बना लिया था बस उस टाइम पे। तो कोविड वर्क वेल फॉर मी बिकॉज बहुत टाइम था टू थिंक एंड टू डू एवरीथिंग इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पर पता है जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कहते ना कि देखो VIP ऐसे ही नहीं होता, तो आप अरुणाचल की पर्सनैलिटी के अंदर आपने बैलेंस अप्रोच को ऑब्जर्व किया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी बात को रखने से पहले
मतलब कोविड इनके लिए एक प्लस पॉइंट रहा क्योंकि उनको इंटरेस्ट इन्होंने अपने आप को एनालिसिस किया और अपनी स्ट्रेटजी बनाई। बट इस बात को भी कितनी खूबसूरती के साथ इनका एक बैलेंस ये रहा कि पहले इन्होंने ये बात कहा कि नो डाउट कोविड जो है एक अपने आप में बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट रहा है पूरी सोसाइटी के ऊपर। तो ये लोग ये सीखने की बातें होती है, ये जो हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग इस बात को ऑब्जर्व कर पाए, फर्स्ट एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे इन्होंने हाउसवाइफ का जिक्र किया तो पहली लाइन उन्होंने अपनी पूरी रेस्पेक्ट और डिग्निटी जो एक हाउसवाइफ के लिए दी, और देन आफ्टर उन्होंने अपना जो है ओपिनियन रखा। ये हमें वाकई में सीखना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि देखो आप सच कह रहे हो क्या कह रहे हो उसके अंदर भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूरी होता है, इसी तरीके से हमारे बोलने के तरीके पर एक बैलेंस जरूरी होता है। तो वहां से फिर अनुमा जी आपका सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट चला वगैरह, तो ये लिंकिंग शिंकिंग कुछ सुना है आपने, कभी पढ़ा इसके एंगल से? हाँ जी सर, मैंने आपकी इतनी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, आई यूज्ड टू चेक योर वीडियोस, एंड जो आपके रैपिड रिवीजन होते थे मैंने वो मेंस के टाइम पे, प्री के टाइम पे, हर टाइम पे बहुत फॉलो करे हैं, एंड इट हैज बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल। हमारे साउथ साउथ मूवी के टाइटल वाले देखे थे, एक क्लास खल्लास? हाँ जी सर, मैंने आपकी वो अभी मैंने रिसेंटली तो लास्ट मैंने आपकी वीडियो देखी है, वो रजनीश वर्सेस नेहा वाले केस को आपने पूरा उसको ना एक पोस्टमार्टम टाइप करके पूरा एक्सप्लेन करा हुआ था, वो वीडियो मैंने देखी बहुत अच्छे से, एंड अ लॉट ऑफ देम, सो आई डोंट इवन हैव अ काउंट, आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस, एंड इन फैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत फॉलो करते हैं आपकी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। एंड हाउ डू यू फाइंड दिस लिंकिंग टेक्निक इन टुडेज एटमॉस्फेयर, विल इट रियली वर्क? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक ना हर एक जुडिशियरी एस्पिरेंट को, मे बी अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो, they need to have that touch, and वो आपकी YouTube videos के साथ अगर किसी को एक insight मिल रहा है into any topic, वो उतना अच्छा उसको books को पढ़ के नहीं मिल पाएगा, जितने अच्छे से आप उस बात को समझाते हैं and you put forward different points, तो बहुत अच्छा बहुत motivational होता है, and we get to know a lot of things in life के बारे में, इतना कुछ पता लगता है, not just law, but हम law को life से connect कैसे करें, ये बहुत अच्छे से हमें पता लग जाता है because of your videos only. And I am extremely thankful to your videos. Thank you so much. Anuj ji, तो यानी कि आपने हमारे डायलॉग को चुरा ही लिया है, लिंक द लाइफ विद लॉ, लाइफ को लॉ से लिंक करना। तो अगर आपने लिंकिंग लॉज के जो भी चैनल्स को एंजॉय किया, आज आपसे एक लॉ फ्रेटर्निटी के मेंबर्स के लिए कुछ मांगना चाहेंगे। आप जुडिशी के अंदर जाने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है आफ्टर 3 or 4 months आपका जुडिशियल अकेडमी में ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं पर्सनली जो है आज एक टीचर के नाते, आज समझ लीजिए एक फ्रेटर्निटी के मेंबर के नाते, मैं चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले प्रोटोकॉल में रहते हुए आप हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड का काम जरूर करेंगे, जब भी आप अपने प्रोटोकॉल को मैनेज कर सकें, क्योंकि लिटरली मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी फील किया है कि लॉ स्टूडेंट का गाइडेंस वाला मामला बड़ा वीक है ना, क्योंकि उनको उस केस में कॉलेज के टाइम के अंदर, वो लकी इंसान है जिनको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, लिटरली आई एम सेइंग वो लकी इंसान है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को जो मिलते हैं, जैसे कई बार 1 week सीरीज से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, चल रहा है, और कोविड के अंदर तो आप नोटिस अफेक्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर कि कई कैंडिडेट्स का एजुकेशनल मामला बहुत वीक रहा है। तो जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो एक मिरर बन चुकी है कई सारे कैंडिडेट्स का, है ना। आपकी लाइफ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जब तक आप एंजॉयमेंट एम्यूजमेंट में रहे तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने सीरियसनेस को ऑब्जर्व कर लिया कि अब मुझे जुडिशरी को तय करना है, फिर आपने 1% भी ना लेफ्ट को खुद को मूव किया ना राइट को मूव किया। कहते ना एक मैराथन का जो ट्रैक होता है उसमें दौड़ने वाला रनर ना तो अपनी लेफ्ट लाइन को क्रॉस करता है ना राइट लाइन को क्रॉस करता है, तो हमें आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक वही रनर दिखाई दे रहा है। और उसके तो ये लिटरली सभी के लिए बहुत जरूरी है कि देखो आप अपनी लाइफ को जियो, आपकी लाइफ को जीने से आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन जब सीरियसनेस के साथ किसी चीज को अचीव करना होता है उसको कर लो, क्योंकि पहला आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है यहाँ पर अरुणिमा जी? फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट्स ग्रेट। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में, अभी देखो आने वाले टाइम में हो सकता है एक दूसरा भी कारनामा होने वाला है, आप हरियाणा के इंटरव्यू को भी फेस करने वाले हैं, हरियाणा जुडिशियल इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं। हालांकि देखो कहना तो गलत है, ये एक इंसान के नाते हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लालची इंसान जो होता है ना, अब राजस्थान से है तो हम तो यही चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आप वहां पर कभी भी ज्वाइन ना करें, आप राजस्थान के अंदर ही ज्वाइन करें। ये आप समझ लीजिए कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं तो वहां, क्योंकि देखो जरूरत है,
जुडिशरी के ऑफिसर की वाकई में जरूरत है आज के समय में, इतना ओवरबर्डन हो रखा है जुडिशरी अपने आप में। तो एक ऐसा जज जो इस तरीके से क्विक डिसीजन ले सके, अपने जस्टिस को प्रॉपर टाइम पे डिलीवर कर सके, वाकई में वो नीड है। और आपके शोल्डर्स पर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अरुणिमा जी आने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट साथ ही साथ उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसी अप्रोच में कहना चाहता हूँ कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करते हुए भी हमारी लॉ फैकल्टी के लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जब भी गाइड आपका गाइडेंस की जरूरत हो तो प्लीज बी देयर। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। डेफिनेटली बी देयर सर, डेफिनेटली, बिकॉज आई नो हाउ इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स आर, आई डेफिनेटली बी देयर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के लेवल को। अब आपसे चीज आ रही है हल्का मेरे साथ इमेजिनेशन करना, हालांकि इमेजिनेशन मेरा पढ़ाने का तरीका भी रहता है, और ये मैं आपको उसको सौभाग्यशाली समझूंगा कि जज से मैं ये कह रहा हूँ कि इमेजिनेशन करना है। अभी यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि आप जब अपने इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू देने गए थे, तो चैम्बर से जस्ट बाहर जब आप एंटर कर रहे थे, आपकी नर्वसनेस का वो लेवल, फिर जब अंदर आप बोर्ड के सामने गए वो लेवल, और जब वापस बाहर आए तो उस समय क्या क्या चीजों का आपने महसूस किया था, उस चीज को प्लीज एक्सप्लेन करें। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे को 15 मिनट पहले एक सर आए थे, उन्होंने कहा कि आपको बाहर चेयर पे बैठना है एंड यू आर द नेक्स्ट वन टू एंटर, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज रियली नर्वस एंड मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हुई हुई थी। तो मैंने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड मेडिटेशन, तो मुझे एक बात रियलाइज हुई थी दैट इफ यू मेडिटेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड डीप ब्रीदिंग करते हो तो इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। तो आई टुक वाटर बॉटल, मैंने पानी पिया अच्छे से, आई टुक अ वॉक, छोटा सा मैंने वॉक लिया एंड देन आई स्टार्टेड माई डीप ब्रीदिंग। मैंने आराम से वो 15 मिनट का जो टाइम था बिफोर गोइंग इन साइड आई डिड द डीप ब्रीदिंग थिंग एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू एंटर आई वाज नॉट एट ऑल नर्वस, आई वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड मेरे को बहुत नॉर्मल फील हो रहा था बिकॉज ऑफ द डीप ब्रीदिंग थिंग, इट जेन्युइनली हेल्प मी अ लॉट। व्हेन आई एंटर्ड द बोर्ड वॉज रियली वेरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, आप सारी कहेंगे तीन चीजों को नोट कर लो। देखो एक तो वाटर बॉटल साथ में कैरी करना एनी टाइम, क्योंकि पानी जो है वो आपको बैलेंस करता है। दूसरा एक छोटा सा वॉक ले लो, है ना, और तीसरा बाबा रामदेव वाला जो है डीप ब्रीथिंग ले लो, है ना, दैट्स बेटर, और फिर आप नॉर्मल हो गए। अब आप एंटर हो गए चैम्बर के अंदर, इंटरव्यू चैम्बर, आपके सामने जो ऑनरेबल बोर्ड बैठा है, तो विदाउट नेमिंग एनी नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लीज प्रोसीड। दे वर वेरी वेरी स्वीट एंड अकोमोडेटिंग एंड यूजली वो पूछते हैं कि आप नर्वस हो कि नहीं, बट हेलो सर, अगेन इट वेंट अवे। इट्स बैक आई थिंक। यस ओके परफेक्ट। हाय, सो नाउ यू आर एंट्रिंग इनटू द रूम एंड यू आर सेइंग दे आर वेरी अकोमोडेटिंग। नेक्स्ट, वेरी अकोमोडेटिंग एंड द फर्स्ट थिंग दे आई आस्क्ड देम कैन आई सिट, so they were very sweet and they told me yes sure ma'am, and in fact then they told me the main sir, he was sitting like the sir who was sitting in the center at the center, he told me that you have a great academic record. He was checking my mark sheets and everything and he told me that you have a great academic record was already in their hand, right? Yes sir. It was already in their hands, they had all my mark sheets, everything. And then he asked me about my LLM, everything what I did over there, like my dissertation and stuff. And then he asked me that how come, like after 2019, what did you do? So I told him that I took a break and then in 2020 I started, and then this is my first attempt after that. Because of the COVID thing, no vacancy was out. And then they asked me certain law questions and they had a lot of focus on how I am not very well versed with Hindi. They wanted to grill me on Hindi, that aapki Hindi kitni achhi hai. So, maine bola, I am good with Hindi.
I can read and write Hindi really well. Then they asked me a very weird question. एक बहुत अजीब सी टर्म थी जिसका मतलब मुझे अभी भी नहीं पता एंड अब मुझे टर्म याद है. आटा शाटा. तो नहीं हिंदी में कोई वर्ड था. आई थिंक कुछ हिंदी का वर्ड था जो किसी लीगल टर्मिनोलॉजी में था. ओके. तो मैंने बोला दैट आई डोंट नो दैट बट दे वर वेरी स्वीट एंड दे वर टीचिंग मी थिंग्स. मतलब वो आपको हमेशा सपोर्ट देते हैं ताकि आप कभी नर्वस ना फील करो, आप डरो नहीं. एंड एक नॉर्मल जैसे दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, वो चाहते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन वैसी ही रहे, आप नर्वस ना हो, आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो. देन दे आस्क मी अ लॉट ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चन, जैसे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी, जो मुझे नहीं पता था. बट आई थिंक ऑल दे वॉन्ट इज दैट हम लोग कितने अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे. बट देन दे वर वेरी अकोमोडेटेड एंड दे टोल्ड मी दैट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम कुछ और पूछते हैं. एंड बस वो देख रहे थे कि मैं कितना अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर रही हूँ और कितना नर्वस हो रही हूँ नहीं हो रही. तो इट वेंट रियली वेल सर. आई वाज व्हेन आई केम आउट ऑफ द कैबिन आई वाज रियली वेरी हैप्पी. मतलब आई वाज इलेटेड बिकॉज आई फेल्ट कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है. सो हाउ मच वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर इंटरव्यू? सर 15 टू 20 मिनट्स का था. 15 टू 20 मिनट्स में. ओके. हां एंड मैंने यूजुअली सुना था कि जब लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ उनके मार्क्स अच्छे आते हैं एंड आप जब बोलो कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है तो गड़बड़ है. सो आई वाज वेरी स्कैर्ड, मेरे को बहुत डर था कि पता नहीं क्या होगा. मतलब एक अलग मिथ आपने सुन रखा था, एक अलग मिथ आपके दिमाग में था कि अगर आप इंटरव्यू से बाहर एकदम उदास से आए हो, टेंशन में आए हो, इसके मतलब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है. और अगर आप गलती से हंसते खेलते आ गए तो इसके मतलब आप इंटरव्यू का स्कोर. तो ये मिथ था, कुल मिला के ये हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि टोटली मिथ. सर एक्चुअली एवरी पर्सन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस. ये जो पूरी तीन लेवल की जर्नी है, हर एक इंसान का एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा एंड एक डिफरेंट प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि भाई ये भी होता है और ये भी होता है. आपकी जो किस्मत में लिखा है ना, आपके हार्डवर्क में जितना आपको देना है उस अकॉर्डिंग आपका सब कुछ अच्छे से हो ही जाता है. सो आई थिंक थोड़ा सा स्टडी स्मार्ट होना चाहिए बाकी. यस 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 सही. सो मैं एक बात बता पढ़ रहे हो. हां जी हां जी प्लीज कंटिन्यू. ओके. अब जज को रोका तो सेक्शन 228 हो जाएगा जो हम नहीं चाहेंगे. ऐसा कुछ नहीं है बट वो बस मैं यही बोल रही थी कि अगर आप कुछ कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. अपना पूरा फोकस अपने सिलेबस पे लगाइए, पूरा फोकस लगाइए. आपको ये अच्छे से करना है, जज बनना है. नोबडी कैन स्टॉप यू एंड नथिंग कैन कम बिटवीन यू एंड योर पोजिशन एज अ जुडिशियल ऑफिसर. विल बी डेडिकेटेड एंड गिव योर 200%. ओके अरुणिमा जी, माय वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरव्यू. जैसे डिविजनल बेंच बैठा करती है हाईकोर्ट में, तो जब दो जजेस बैठते हैं तो उसमें एक जजेस जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, दूसरे जजेस जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का रोल प्ले करता है. तो क्या आपके इंटरव्यू के अंदर भी ऐसा हुआ था कि तीन जजेस के पैनल में से एक जजेस एक्टिव थे और बाकी जजेस सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसा हुआ? जी सर. इनफैक्ट आई डू नॉट नो द नेम ऑफ द जज. तो वो लेफ्ट पे मेरे बैठे थे एंड आई कुड सी कि वो मेरे एक्सप्रेशंस को जज कर रहे हैं कि मैं कितना नर्वस हो रही हूँ. बट जो सब लाइक सेंटर में बैठे थे, उनका मेन फोकस था दैट ही वाज आस्किंग मी ऑल द लॉ क्वेश्चंस एंड ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आल्सो. एंड देन रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है सब कुछ, तो मेन फोकस उनका ही क्वेश्चन के ऊपर था. तो ही वॉज टेक्निकली लीडिंग द बेंच. तो ऐसा होता है कि एक एक पर्सन लीड करता है बेंच को और बाकी के दोनों मेंबर्स कहीं के जो ऑब्जर्वेशन पे पूरा होकर करता है. ओके. तो कुल मिला के आपका इतना आपने डिटेल में इंटरव्यू दिया, इसका मतलब आपने उसको पूरा फील किया है, सारे के स्टेप्स आपने वन बाय स्टेप सारी बातों को बताया. तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं और उसका नाम है ऑब्जर्वेशन. क्योंकि जब इंसान किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करता है ना, तभी उसके बारे में उसका फीडबैक देने में, उसको डिटेल बताने में उसको कोई भी दिक्कत है जो नहीं आता है. तो ये आप भी नोट कर लीजिए, अगर आपके दिमाग के अंदर भी बनना है सपना क्या नेक्स्ट अरुणिमा चौहान का, तो यहाँ पर आपको उनके स्टेप्स को भी फॉलो करना चाहिए.
अच्छा अरुणिमा जी, अगर मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की बात करूं, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका मेंस का तैयारी भी आप उसी एंगल से साथ साथ डील कर रहे थे, या फिर ये डिसाइड कर रखा था पहले मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए उसके बाद मेंस की भी एंगल से सोचूंगी? नहीं सर, मैंने एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए कोई पर्टिकुलर तैयारी नहीं करी. मेरा स्टार्टिंग से पैटर्न यही था कि मुझे मेंस के लिए ही तैयारी करनी है. मेरा पूरा फोकस ये था कि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट का पूरा अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बस प्रोविजन पता है अंदर का कुछ नहीं पता. बिकॉज अगर हम देखें तो ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था राजस्थान का, लॉ बिल्कुल आसान नहीं था. आई वोंट से कि लॉ बिल्कुल आसान था, उसमें काफी डिटेल में सब कुछ था. एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है आप तभी वो क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं. एग्जैक्टली, तो वही बात है कि अगर आप अलग तैयारी रखोगे कि प्रिलिमिनरी के लिए अलग करो मेंस के लिए अलग करो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इट विल बी बेटर अगर आप दोनों को एक साथ ही तैयारी करें एंड देन प्रिलिमिनरी एग्जाम दें फिर मेंस एग्जाम दें, तो एक रिविजन टाइप की तरह दोनों अच्छे से निकल जाएंगे. मैं सभी कैंडिडेट्स को एक बात बताना चाहूंगा कि अभी तक के इंटरव्यू इस वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया है, इंटरव्यू कहना गलत है, ये एक तरह से फीडबैक नेचुरल टॉक है, आपने नोटिस किया कि ये अरुणिमा जी कितने एकदम जॉयफुल कैंडिडेट्स हैं, है ना, कितने एकदम हर बात को एकदम खुल के आंसर देते हैं. बट यहाँ पर उनका एक इमोशनल एंगल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये हर इंसान के साथ में होता है. अरुणिमा जी, एक दौर ऐसा आपके लाइफ का आया था जिस समय वो इंसान जो आपके सबसे करीब था, वो इंसान जो आपकी लाइफ का एक रोल मॉडल था, अपनी लाइफ में हर मोमेंट से करने जहां पर आपको थोड़ा सा कमी महसूस होता अंदर की एनर्जी का, तो आप उनसे जो है वापस बूस्ट हुआ करते थे. एक ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ था, वो इंसिडेंट क्या था प्लीज जरूर बताएं, और उस इंसिडेंट के अंदर आपने उसको कैसे वापस मेकओवर किया, कैसे उसको कवर किया, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. पता है मैं अभी आपकी आंखों के अंदर इस बात को, मतलब नाम आते ही आपकी आंखों के अंदर जो नमी है उसको मैं महसूस करता हूँ, भले ही आपने चश्मा पहन रखा हो. और कहता है ना कि सच्चाई जो होती है अपने आप वहां पे झलक जाती है. क्या क्या था वो इंसिडेंट प्लीज बताएं. तो ये साल ऑफ कोर्स, ये ईयर मेरे को बहुत बहुत बड़ी हैप्पीनेस दी है इस ईयर में, लेकिन इस ईयर में मेरे से बहुत कुछ छीना भी है. तो मेरे राजस्थान के मेंस एग्जाम के लिटरली 5 दिन पहले 25th of April माय नानी शी पास्ड अवे, एंड शी वाज वेरी क्लोज टू मी क्योंकि वो मेरे साथ ही रहती थी 12-13 साल. आपके मेंस एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले? हाँ जी सर, 5 दिन भी नहीं, 4 दिन पहले. 4 दिन सैटरडे को मेंस एग्जाम शुरू हो रहे थे एंड मंडे को. उनसे शाम को बात करी थी, मैं जा रही थी उनके पास, बट हमारा प्लान हो गया कि हम कहीं और चलते हैं. तो मैंने उनसे बात करी एंड सी वाज लाइक नहीं तेरा दिल्ली बहुत अच्छे से निकलेगा, मैं तेरे लिए सुबह से प्रे कर रही हूँ. मेरी उनसे बात भी हो गई अच्छे से, एंड देन मैंने बोला हाँ नानी मेरे को नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ, आपसे कल आराम से बात करूंगी. एंड देन नेक्स्ट डे शी वाजंट देयर. एंड मेरे मम्मा पापा ने, एक्चुअली में लोग बोलते हैं कि एक जुडिशरी की जर्नी सिर्फ एक जो एस्पिरेंट होता है उसकी नहीं होती है, पूरी फैमिली की होती है. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पता ही नहीं लगने दिया कि मेरी नानी नहीं है. एंड लिटरली माई मॉम वॉज देयर विद मी जयपुर में. हम लोग रुके हुए थे 4 दिन के लिए एग्जाम के टाइम, मेन्स एग्जाम के टाइम. मम्मा ने नॉट इवन फॉर अ मोमेंट अपनी शक्ल पे आने दिया कि उनकी मम्मा नहीं है अब. एंड शी वॉज वेरी नॉर्मल विद मी. मुझे लगता था, पता लग जाते कि कुछ गड़बड़ है. तो उन लोगों ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि नानी हॉस्पिटल में है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी. एंड मैंने ये बात को पूरा बिलीव करा. आई यूज टू क्राई अ लॉट बिकॉज मैं नानी से हर रोज बात करती थी, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि बात नहीं हो रही है. पर उन लोगों ने मेरे को बोला कि आईसीयू में है, फोन लेके नहीं जा सकते अंदर. और मेरी पूरी फैमिली में, मेरे मामा जी ने, सब ने मुझे ये बिलीव करवाया कि नानी है तो अपना एग्जाम दे ले, सब कुछ ठीक है, बस वो तेरे साथ है. बट एग्जाम होने के बाद मुझे पता लगा कि वो नहीं है. तो मेरी, आई एम टोटली इंडेटेड टू माई मॉम, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि मेरी नानी नहीं है तो शायद ये एग्जाम देना मेरे लिए आसान नहीं होता.
मेरे लिए वही बहुत पेनफुल था दैट शी इज देयर बट वो आईसीयू में है. बट माई मॉम वॉज अ वॉरियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उन्होंने कुछ पता नहीं लगने दिया एंड आई एक्चुअली क्लियर माई मेन एग्जाम एंड आई एम फॉर लाइफ आई एम इंडेटेड टू हर. ये बहुत ही पता है अरुणिमा जी, ये जो पल होता है ना, ये लाइफ के ऐसे पल होता है कि अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आपकी मॉम ने प्ले किया. मतलब उनकी मॉम नहीं रही है, इस बात की खबर उनकी बेटी को पता चल जाए तो उनको पता था कि क्या परिणाम होने वाला है. और आपकी आपके चेहरे पर अभी भी इस समय, इतने समय बाद भी जो हम चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सीधी सी बात है, वो तो एक माँ थे आपकी, वो तो डायरेक्टली सीधा पढ़ लेते आपको कि ये लड़की एग्जाम ही नहीं देगी अगर इसको कुछ पता चल गया तो. सर मैं ना ओनली चाइल्ड हूँ तो मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरी नानी के साथ ही मेरा वो भाई बहन वाला अटैचमेंट होता है. हाँ, तो मैं उनके साथ ही वो सब कुछ उनके साथ ही शेयर करती थी. तो आई लॉस्ट अ लॉट. देखिये अरुणिमा जी, कुछ चीजों को तो इंसान के हाथ में होता नहीं है बदलना कुछ चीज को करके, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज इस मोमेंट में ऊपर से भी आपकी नानी जब आपको देख रहे हैं ना, तो वो प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरी दोहिती जो है वो जज बन गई, उसने मेरी बात पूरी कर ली. और मुझे पूरा यकीन है कि जज सिंगल टाइम ही जज आप दो बार बनोगे, एक बार बच चुके और सेकेंड टाइम भी आप जज की पोस्ट को निकाल ही लोगे. चलिए थोड़ा सा इमोशनल एंगल से बाहर आते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम जज साहब से कुछ और भी चीजें जानना चाहते हैं. एक बात बताएं, ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ, इसलिए पूछना जा रहा हूँ कि यंगस्टर की लाइफ की रियलिटी है ना, जनरली इस तरह के टॉक शो के अंदर, इस तरह की बातचीत के अंदर ये बातचीत नहीं की जाती जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ. आजकल का जो यंगस्टर, एक जो यंग पर्सन होता है, वो इस एज के अंदर डिस्ट्रेक्शन फैक्टर के अंदर भी डाइवर्ट होता है ना. कई बार वो डिस्ट्रेक्शन पॉजिटिव होता है, कई बार वो डिस्ट्रेक्शन नेगेटिव भी होता है, राइट? ठीक है, क्योंकि आपको भी 95-96 का बर्थ है तो आप भी इसी एज क्राइटेरिया के अंदर है. क्या आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा, जब आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या ऐसा इस तरह का कोई डिस्ट्रेक्शन रहा? एक ऑनेस्ट ओपिनियन इसलिए चाहता है कि जो यंगस्टर है वो भी इस बात को सुने और उसको फॉलो करे, प्लीज. हाँ जी सर, आई थिंक मेरे लिए डिस्ट्रेक्शन सबसे बड़ा था जैसे ये जर्नी शुरू हुई. मैंने 2020 में पढ़ना शुरू करा तो उसी टाइम कोविड आ गया, सब लोग घर में बंद थे, कोई आउटसाइड इंटरेक्शन नहीं था, फोन्स का यूज एज भी था जो था हमारे पास, एंड मेरे पास कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं आ रहा था अपार्ट फ्रॉम माय बुक्स एंड बेयर एक्ट. तो उस समय एक डिस्ट्रैक्शन बहुत मेजर हो गया बिकॉज एक टच छूट गया जो पढ़ाई के साथ एक टच रहता है बिकॉज ऑफ रेगुलरली गोइंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो मेरा टूट चुका था. Just like everybody else, and I know a lot of people जिन्होंने उस time पे तैयारी छोड़ दी, but उस time पे I knew कि अगर मैंने ये अब छोड़ दिया तो इसके बाद मैं दोबारा शुरू नहीं कर पाऊंगी. एक बार वो ब्रेक आएगा तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है. तो मुझे यही था कि वो लिंक नहीं टूटना चाहिए लॉ के साथ, लिंकिंग बनी रहनी चाहिए, लिंकिंग बनी रहनी चाहिए. एंड वो लिंक टूट गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा. एंड दैट इज लिटरली, अगर मैं एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहती हूँ तो इनजस्टिस होएगा मेरी खुद की लाइफ के साथ अगर मैं उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं करती हूँ, और अगर मैं अपनी लाइफ के साथ ही इनजस्टिस कर रही हूँ तो मैं आगे जस्टिस कहाँ दे पाऊंगी लाइफ में. दैट इज व्हाट आई थिंक. मतलब ये लाइन है सबको नोट करनी चाहिए कि अगर मैं खुद के साथ ही इनजस्टिस कर रही हूँ तो दूसरों के साथ जस्टिस कैसे कर पाऊंगी. वाकई हैट्स ऑफ, बिल्कुल. तो फिर वहां पर कुल मिला कि आपने खुद को किसी तरह के डिस्ट्रेक्शन में नहीं पढ़ने. और एक यंगस्टर को भी इस तरह का जो है डिस्ट्रेक्शन है, चाहे आप इसको बॉयफ्रेंड का नाम दो, गर्लफ्रेंड का नाम दो, दूर रहना चाहिए चीजों से जब तक वो अपने गोल को अचीव ना कर ले. सर मुश्किल बहुत होता है, मुझे पता है, बिकॉज मेरे को बहुत शौक है बाहर घूमने का, ट्रिप्स पे जाने का, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था. बट आई एम श्योर एवरीबडी कैन डू इट. जब आपको वो दिखता है ना कि आपका गोल इतना बड़ा है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है. कुछ खोना एग्जैक्टली वो खोना पड़ेगा. तो उसके बाद जो मिलता है, दो दिन से जो मैंने खुशी फील करी है, आई थिंक वो दो साल का जो मैंने छोड़ा या मैं कहीं जा नहीं पाई हूँ, इट्स वर्थ इट. कोई फर्क नहीं पड़ता. और मैं आपको एक चीज और इमेजिन करवा दूं अरुणिमा जी, जब आप जुडिशरी में जज वकील के बैठेंगे ना, और जब आपके कोर्ट के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई होगी, अरुणिमा चौहान सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
और जब आप उसमें एंटर करोगे ना, तब आप उस नेम प्लेट को देखते हो, जो प्राउड का मोमेंट होता है वो दुनिया में किसी कीमत चुका कर भी नहीं कर सकते. Nothing can actually be compared with that. Best exactly. feeling ever, I think. Last question for this session. आपके फादर साहब वो भी क्या ऐसी लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर थी अपनी फैमिली में. You are the exceptional one. मतलब that's great. सर, मेरी फैमिली का लॉ बैकग्राउंड दूर दूर तक नहीं है. मेरे पापा वो से साइंटिस्ट, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, बट ही वाज अ साइंटिस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड माय मॉम इज अ वो साइंटिस्ट सेक्शन 293 वाले सीआरपीसी. हां जी सर, गवर्नमेंट साइंटिस्ट के लिए. यहां पे हम इसको लिंकिंग कर सकते हैं ना, 293 वाले. हां जी सर. ओके यस. वो बिल्कुल ही साइंस वाली फील्ड में थे. एंड माय मॉम वाज अ जर्नलिस्ट, बट देन शी लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी अपब्रिंगिंग में थोड़ा रुकावट आ रहा था. जर्नलिज्म आपको पता है बहुत टफ होता है. देन शी स्टार्टेड हर इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो मतलब मेरा कहीं से भी लॉ का लिंक नहीं था, वो मेरा खुद का ही मन था कि मुझे लॉ करनी है. तो दैट इज हाउ दैट हैपेंड. दैट्स रियली ग्रेट. तो मतलब आपने अपनी लाइफ के अंदर खुद ही अपने रास्ते को चुना और उस पर आगे बढ़ गया. दैट्स रियली ग्रेट. तो वाकई वर्णिमा जी, तो बहुत ही ये आज का जो सेशन है मिला जुला रहा. आपकी एनर्जी भी देखी हमने, आपका ऑब्जर्वेशन भी नोटिस किया, आपका बैलेंस अप्रोच भी यहाँ पे देखा, आपका जो एक कंसंट्रेशन का जो पावर है वो भी देखा, आपका इमोशनल एंगल भी देखा कि हर इंसान होता तो आगे कहीं के इमोशनल है. और साथ ही साथ में आपका एक जो एक फर्म डिटर्मिनेशन है, एक बार तय कर दिया. वो एक डायलॉग आता है, कौन सा मूवी हुआ था, सलमान खान का, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने हाथ की अब वो तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग था, लेकिन उसका रियलिटी वाला जो मिरर इमेज है वो आपकी पर्सनालिटी में आपको दिख रहा है. एंड आई विश कि आपका जब भी रिटायरमेंट हो सुप्रीम कोर्ट के जज के नाते ईश्वर Thank you so much. बिल्कुल. बस ये है कि जब आपको हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए बुलाना पड़े तो फिर प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते आइएगा जरूर. I know एक जुडिशरी एस्पिरेंट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, एंड बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसी पार्टीज होती हैं, ऐसे सेलिब्रेशंस होते हैं जिनका पार्ट आप नहीं बन सकते. एंड काफ़ी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने आसपास के सब लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, एंड तब आपको बहुत बुरा लगता है. दैट यू नो सबका मन करता है टू इन्जॉय, टू हैव फन, लेकिन हम साइडलाइंड हो जाते हैं क्योंकि हम एक रूम में बंद रह के हमें सिर्फ एक पढ़ाई करनी होती है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस पर फोकस करना होता है, और उस समय कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है. एंड आई नो दैट बिकॉज आई हैव बीन देयर. तो कोई बात नहीं, जब भी ये थॉट दिमाग में आए तो बस ये सोचना दैट ये सारे जितने भी हमने चीज़ें लेट गो करी होती हैं और जितनी भी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, खोनी पड़ती हैं, उन चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब आप ये पूरी जर्नी ख़त्म कर लेते हो. याद भी नहीं रहता वो कौन सा सेलिब्रेशन, वो कौन सा क्या जो आपने मिस किया था. उस समय बस ये चीज़ पता होती है दैट यू हैव डन इट. सो डोंट गिव अप, आगे बढ़ते रहो. एंड जैसे कि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, अभी आगे की जर्नी बहुत अच्छी है. सो कभी गिव अप करने की सोचना भी मत. इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग आफ्टर यू अचीव इट. ऐसा लगता है कि सब कुछ फुलफिल हो गया है लाइफ में, यू हैव एवरीथिंग. So, उस एक फीलिंग के लिए जस्ट कीप गोइंग अहेड एंड डोंट गिव अप.